जय जगन्नाथ। इस समय हम एक और विशेष मालका पीठ वर्णित स्थान पे हैं, जिसका नाम है रासवट। और सबसे पहले यहाँ पे जो अधिष्ठात्री देवी हैं उनका हम दर्शन कराते हैं, उसके बाद भाई सत्यावांजा जी आपको इसकी डिटेल बताएंगे। लीजिए, ये दर्शन करिए माता जी के। जी सत्या जी, आप ही से जानेंगे, बस आप थोड़ा सा इधर आ जाएं ताकि आपका चेहरा जो है और अच्छे से। हाँ नमस्कार जी, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। मालिका वर्णी ये भी एक प्रसिद्ध स्थान है, हालांकि गुप्त स्थान है। अच्छा। तो इसका नाम है रासबट। अच्छा। उड़ीसा प्रांत के अंतर्गत जगत सिंहपुर जिले के अंतर्गत ब्रिडी ब्लॉक के में ये जगह है जिसका नाम है रासबट। और यहाँ पे ये आप जो देख रहे हैं कि ये माता जी के जो प्रतिमा है। जी जी। तो मालिका में लगभग 37 ग्रंथों में इस स्थान के बारे में वर्णित है। अच्छा। माता जी के ये जो आप देख रहे हैं मूर्ति, ये प्रतिमा है, ये आप थोड़ा जूम करके देखेंगे तो एक्चुअल में ये एक यंत्र है। ये यंत्र जो है आज से कई साल पहले मिला था इसी परिसर से, और तब से यहाँ पर उसको स्थापित करके फिर पूजा पाठ जो है ये खुदाई में मिला था। हाँ, यहाँ पे कुछ खुदाई का काम चल रहा था। अच्छा। तब ये मिला, इस क्षेत्र के उत्तर दिशा पे कोई खुदाई का काम चल रहा था। अच्छा, उत्तर दिशा मतलब ये दिशा। हाँ, हो गई आपकी। हाँ, ये यहाँ पे कहीं पे यहाँ पे मिला ये। अच्छा अच्छा जी जी। तो फिर तब से फिर माता जी के यहाँ पे स्थापना की गई और वहां से उनका पूजा काम चल रहा है। और ये देखिए, इसका नाम जो मैं पहले से बताया, ये है रासबट। रासबट मतलब ये इतना बड़ा सा, देखिए ये बट वृक्ष है। इसका शुरू कहाँ से है और उसका जितने सारे ब्रांच है, आप जो है इसके जो शुरुआत की जो जड़ है वो आप ढूंढते रह जाएंगे। और इतने सारे इस बीच में तूफान और चक्रवात तूफान, बाढ़, पता नहीं कितने सारे प्राकृतिक आपदा यहाँ पे चली गई है, फिर भी ये वृक्ष जो है वैसे की वैसे हैं। और ये मान्यता है ये एक परीक्षा स्थल बनेगा भक्तों के लिए ये भी। हाँ। अच्छा। और माता जी भक्तों को शरण देंगे। अच्छा। यहाँ पे और ये जो आप देख रहे हैं कि ये जो वट वृक्ष है उसका जो जड़ है जी, ये मान्यता है अगर यहाँ पे आप, अगर आपके मन बिल्कुल शुद्ध है, आप पवित्र हैं, यहाँ पे अगर आप कान डाल के यहाँ पे सुनाई आप सुनेंगे जी, आपको नाम संकीर्तन की आवाज ध्वनि जो है। अच्छा। सुनाई देगा वृक्षों से। हाँ। अच्छा है ना। अच्छा। तो ये भी मान्यता है कि इसके नीचे जो है आज भी साधु संत। अच्छा। है गुप्त में अपना साधना कर रहे हैं। ये आप देखिए, ये है जो नदी, नदी का ये जो नदी है इसका नाम है देवी नदी। यहाँ आ जाइए। अच्छा। ये है देवी नदी और इसको हम कहते हैं अर्जुन घाट। अर्जुन घाट। अर्जुन घाट ये। अच्छा। है वो जगह, वो है अर्जुन घाट। अर्जुन घाट इसका नाम ये है। ये द्वापर युग में जब अज्ञातवास पे थे पांडव। हाँ। तो महर्षि अर्जुन जो है। हाँ। वो इसी घाट में नदी को पार किए थे। अच्छा। तब से इसका नाम रखा गया है अर्जुन घाट। अच्छा। हाँ, ये भी है। और बगल में जो है हमारा मालिका की बहुत बड़ी प्रसिद्ध स्थान है, यह है पंचसखा। पंचसखा पीठ। हाँ, जहाँ वो क्या अभी हम लोग आए हैं, ध्यानकूट। तो ये हैं वो पवित्र जड़ें, ये हैं वो पवित्र जड़ें। तो यहाँ पे अगर आप कान लगा के सुनेंगे पवित्र आत्माओं के साथ, पवित्र भावनाओं के साथ, आपको यहाँ पे नाम संकीर्तन की ध्वनि जो है रात दिन सुनाई देगा। और यहाँ पे जो है भगवान के स्वरूप सर्प देवता जो है यहाँ पर विराजमान है। सर्प देवता भी है। हाँ, सर्प देवता भी है। अच्छा। बहुत सारे वो ऐसे दिख जाते हैं लेकिन अभी तक किसका क्षति नहीं पहुंचा है। अच्छा, जो ये आप कहते हैं बराबर कि यहाँ पे भक्तों की परीक्षा होगी। जी जी जी। तो ये किस टाइप की परीक्षा होगी और मतलब कब तक होने की इसकी संभावना है इस परीक्षा की? देखिए, युग के अंतिम कालखंड में जी ये परीक्षा जो है भक्तों को देना पड़ेगा। अच्छा। जो भक्त हैं वो परीक्षा में तो बच जाएंगे। जी जी। जो भक्त नहीं है। हाँ। जो अधर्मी हैं, विधर्मी हैं, जो पापी हैं, जी तो फिर वो जो है वो माता जी के खपर में आएंगे, उनका स्थान होगा। अच्छा अच्छा, ठीक है ना। अभी भी समय है। हाँ, आप हाँ, जो है आप ये चुन लीजिए, भक्ति मार्ग में रहेंगे। हाँ। या फिर आप पापियों के साथ भी अब रहेंगे। अच्छा। ये तो आप चयन कर लीजिए।
इसका मतलब यह है कि जब से ये मीन शनि योग शुरू होगा, यानी कि मार्च 2025 मीन शनि का योग जो शुरू हो जाएगा जी, और वहां से लेकर ढाई साल 2027 उसी के बीच में ये परीक्षा भी होगी। उसके बीच में परीक्षा नहीं होगा जी, उसके बीच में जो है प्रलय, महाप्रलय या खंड प्रलय, अच्छा तीन स्तर पे होगा। अच्छा, मालिका में जो लिखा गया है जी जी, उत्पात हाँ, विपात हाँ, निपात, अच्छा तीन स्तर पे होगा। अच्छा ना, तो यह है कि आपको मतलब लास्ट में एक एक मौका भी मिलेगा। अच्छा अच्छा, अभी भी टाइम है, आप सुधर जाओ। अगर आप नहीं सुधरोगे जी फिर तो निपात वो लास्ट सब खत्म हो, अच्छा अच्छा जाएगा हमेशा के लिए, ठीक है ना। तो जैसे महाप्रभु ने गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहे हैं जी, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ जी जी, धर्म की रक्षा करने के लिए मैं आता हूँ जी, दुष्टों के विनाश करने के लिए मैं आता हूँ जी। तो फिर भगवान आएंगे तो फिर आप जो है पापियों के साथ छोड़कर धर्म के मार्ग पर रहिए, तब फिर आप माता जी जो है आपको रक्षा करेंगे। तो माता जी, हम लोग जैसे बहुत दूर हैं, हम हाँ, यूपी में हैं, हाँ, तो हम लोगों के लिए क्या ऐसा हो रहेगा? मतलब माता जी के लिए सब समान है, ऐसा कोई नहीं कि आप उड़ीसा के हैं या फिर आप बिहार के हैं या फिर आप यूपी के हैं जी जी, आप भक्त हैं तो किस ना किस तरीके से माता जी आपको माइग्रेट करवाएंगे, स्थानांतरित करवाएंगे, अच्छा एक जगह से दूसरी जगह, ऐसा अच्छा सुरक्षित स्थान पर आपको पहुंचा दिया जाएगा, भले ही आप चाहें भले ही आप ना चाहें।